आप देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी एवं प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 26/11/2021 संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर परांकर भवन में भारतीय लोकतंत्र के 75वें वर्ष में भारतीय संविधान का महत्ता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 70 अधिवक्ताओं को उत्कृष्ट अधिवक्ता सम्मान से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी पूर्व संख्याय प्रमुख विज्ञान संख्याय बीएचयू ने किया। विशिष्ट अतिथियों में श्री अजय राय जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री हरिहर सिंह, श्री प्रजानाथ शर्मा, प्रोफेसर सतीश राय पूर्व विभागीय अध्यक्ष राजनीतिक विज्ञान विभाग काशी विद्यापीठ रहे। कार्यक्रम में श्री देवेंद्र सिंह, श्री ओम प्रकाश ओझा, मंगलेश, दीपेश चौधरी, वैभव त्रिपाठी, अनूप जायसवाल, गौरव पांडे, आरडी सोनकर, योगेश संत आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का संयोजन श्री राघवेंद्र चौबे अध्यक्ष जिला के महानगर कांग्रेस कमेटी एवं श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वी जोन ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी विधि संकाय बीएचयू ने किया। शुरुआत न्यू रखी है, आप मंच पे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं और आगे आगे कोई और जो कम के लोगों आगे आगे बैठ जाएं और अपनी लंबाई का भी ध्यान रख लीजिए, कोई छोटे ना भाई। क्या आज ये संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संविधान की रक्षा हो, संविधान को कैसे बचाया जाए, इस पे आज कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। जो हमारे व्यापार मंडल के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं प्रदेश के, उन्होंने कार्यक्रम रखा है और पूरे अधिवक्ताओं का सम्मान किया। हमारे प्रोफेसर साहब जो हमारे बीएचयू के मल्लिकार्जुन जोशी जी, विद्यापीठ के हमारे प्रोफेसर सतीश राय जी, प्रजानाथ जी, दुर्गा प्रसाद जी, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संविधान को आगे कैसे उसको बचाया जाए, कैसे उसकी रक्षा किया जाए, इसकी शपथ लिया और सभी बनारस के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया। आदरणीय दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी और जिन्होंने इसकी पूरी रचना रची, ऐसे बीएचयू लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर भाई शेमेन जी यहाँ उपस्थित, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी सम्मानित अधिवक्तागण, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, मैं समझता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन करने की जरूरत क्या पड़े। जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो रोज जो हम लोग देख रहे हैं, जो चीजों को समझ रहे हैं कि रोज नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, जो वर्तमान की सरकार है वो अपने तरीके से नियम कानून की व्याख्या कर रही है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार, वो जो बोल रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कानून बना रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं कानून को तोड़ दे रहे हैं और जिसे चाह रहे हैं लागू कर रहे हैं, जिसे चाहते हैं और इंतजार करते हैं कि इस कानून का आम जनमानस में जिसकी हम ला रहे हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है। उसमें जब सैकड़ों कुर्बानियां हो जा रही हैं, हजारों लोगों की कुर्बानियां हो जा रही हैं, तो उस कानून को फिर रोका जा रहा है और फिर उसे ढीला किया जा रहा है और फिर कह रहे हैं ये तो ही आगे आएगा और फिर उसको शायद आगे कोई तारीख लाकर उसमें परिवर्तन करेगी। तो ये ही चीज को कई बार घुमाकर जनता के सामने लाना और उसमें कई तरीके के बदलाव दिखाना कि मैं आपका सुचिंतक हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। अरे भाई, नियम कानून जब बनाना था तो आप सब लोग
नियमकानून के ज्ञाता बैठे हैं यहाँ पर, प्रोफेसर साहब लोग बैठे हैं, तो ये पहले ये सब चीज़ों की जानकारी पहले ली जाती है, प्राप्त की जाती है कि इसका क्या असर आएगा। अगर ये कानून हम इस चीज़ के लिए बना रहे हैं तो ये किसान है या व्यापारी है या आम नागरिक है, इसका क्या असर लोगों पर पड़ेगा। तो वो उनसे कहने लगे कि आप देखे होंगे पहले बड़े बड़े सेमिनार होते थे, छोटे सेमिनार होते थे, उसमें सबकी राय ली जाती होता था ना प्रोफेसर साहब, चाहे वो BHU में हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, चाहे JNU में।